राम राम। सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब नु मेरे वालों बहुत बहुत आदर सत्कार। आस करदा कि तुसी सारे ठीक होवोगे। तो अज जो मैं ब्लॉग अपलोड करन जा रहा, यह मेरी जिंदगी का पहला ब्लॉग आ। मेनली यह ब्लॉग एक बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये मैं तुम्हें सारा कुछ दसूँगा कि एनरोलमेंट का प्रोसैस किमें हों, एनरोलमेंट कितने करवानी है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट कोई भी नवा आता तो उन्होंने सब तो पहला यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्होंने एनरोलमेंट का नहीं पता होंगे। जिमें हम अगे जनवरी इनटेक आ रहा, तो साढ़े कई भरा साढ़े कई दोस्त मित्र आवगे, तो आस करदा कि यह ब्लॉग उन्होंने हैल्पफुल रहे। तो यह वीडियो मेरी यूनिवर्सिटी के पहले दिन की वीडियो है, जिस दिन मैं अपनी एनरोलमेंट करवा आया से। तुम देख पा रहे हो सामने पार्क साइड बिल्डिंग है, तो इस दे जस्ट सामने अपनी कर्जन बिल्डिंग है। पार्क साइड बिल्डिंग के लैफ्ट साइड एक मिलेनियम पॉइंट भी है, जिन्हों की मिलेनियम बिल्डिंग भी कहते हैं। उत्थे सारे इंजीनियरिंग लैवल दे कोर्स आ, बट अपने कर्जन बिल्डिंग दे विच सारे सोशल साइंस लॉ ते बिजनेस रिलेटेड कोर्स आ ज़्यादातर। तो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए स्टूडेंट आई डी कार्ड स्कैन करना पैंदा, पर जे तुसी फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इतने लैफ्ट हैंड साइड एक सिक्योरिटी गार्ड हुंदा, तुसी उन्हें कह के भी अंदर जा सकते हो। बट तुसी इतों लैफ्ट लेना है तो स्ट्रेट ही जाना। तो एनरोलमेंट का सब तो मेन डॉक्यूमेंट है BRP। एनरोलमेंट कराने तो पहला तो अपना BRP कलैक्ट करना पैना है, तुसी अपने डॉक्यूमेंट। पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का जो BRP का एड्रैस होंदा है पोस्ट ऑफिस का ही होंदा है। तुसी जाने तो पहला अपने डॉक्यूमेंट्स चैक कर लियो, जेड़ा थोड़ा एड्रैस होगा उस एड्रैस तो जाके अपना BRP ले आयो। तो स्टेयर्स चढ़न तो बाद तुसी राइट लेना है। तो दोस्तों इतने राइट साइड पर एक हेल्पिंग डैक्स आ, तुम इन्हों तो भी पूछ सकते हो कुछ भी अपनी इनकुआरी। तो जस्ट ये ओपोजिट एक कर्जन बिल्डिंग का एग्जिट पॉइंट है, जिहड़ा कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन के नाल जाके निकलता आ। तुम इतों देख सकते हो यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन, तो जेडे यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन लैणगे उन्होंने लिए पॉइंट बहुत यूजफुल रहेगा। तो आ सामने यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन ने, तो तुसी देख सकते हो। तो एग्जिट पॉइंट तो थोड़ा जा अगे जाके तुसी राइट लैके देख सकते हो कि इत्थे सारा एनरोलमेंट का स्टाफ बैठा है। तो इत्थे तुसी सब तो पहला फॉर्म फिलअप करना हुंदा है, उदे विच अपनी स्टूडेंट ID, ईमेल एड्रैस, दो तीन चीज़ां होर हुंदियां ने। उस तो बाद तुसी फस्ट डैस्क ते जिहड़े मैडम बैठे ने उन्हां नूं तुसी सबमिट करा सकते हो। उस तो बाद फिर वो फर्दर अपने प्रोसैस चलता रहिंदा है। वैसे तो सब का एक्सटेंशन 13 अक्टूबर तक का सीगा, पर 13 अक्टूबर तो बाद भी कई स्टूडेंट्स आ रहे सीगे, तो यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन थोड़ा जिहा बढ़ाता सी, जिहड़ा कि 27 अक्टूबर तक करता सी। आस करदा कि तुहानू सब नूं इह व्लॉग चंगा लग्या होगा, तो हुण कोशिश करूँगा अपने आप नूं इंप्रूव करन दी ते होर भी नवें ते इनफॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाउण दी। ते उदों तक दे लई सत श्री अकाल, राम राम।